जो हमें भेजा है किशोर पारेख ने सूरत से। तो कल्पेश जी, इन्होंने अपनी जन्म तिथि बताई है 12/9/1944, समय है सुबह के 11 बजे और जन्म स्थान है इनका सूरत। प्रश्न इनका ये है कि इनका कामकाज ठीक नहीं चल रहा है, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं ये, तो कब तक कामकाज में किस तरह से इनकी वृद्धि होगी, फिलहाल तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है किशोर जी, आपकी हॉरोस्कोप का रीडिंग करके ये तो पता चलता है कि आप अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा टेंशन में रहते हो। फिलहाल एक साल से आपको जो तकलीफें हो रही, उसका कारण यही है कि पब्लिक में से, आपके पब्लिक प्लेस में जिस प्रकार अभी केतु का भ्रमण हो रहा है और आपको 30/5/2013 से जो शुक्र में केतु की दशा चल रही है, उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। केतु आपकी कुंडली में सुख स्थान में बैठ के सुख में कमी लाता है और ये आपके 10वें स्थान में राहु बैठा हुआ है। तो आपको एक बात बता दूं कि जब ये केतु और राहु यहाँ से हट जाएंगे, यानी कि 19-20 जून 2014 जो चल रही है उसमें, यानी जून महीने से आपका बिजनेस वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। हाँ, आपको एक बात बता दूं कि आपका अभी जो काम चलने वाला है वो NRI पार्टियों का यहाँ मुझे दिख रहा है, यानी बाहर की पार्टियाँ यदि आपके पास आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और ऐसे लोगों का यदि आप काम करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका चंद्र शनि साथ में है भाग्य में, तो हर हमेशा आपको चिंताएं रहेगी, लेकिन एक बात बता दूं, यही चंद्र शनि आपको धर्मस्थान में बैठ के धार्मिक यात्राएं करवाने का भी योग बना रहा है। तो साल में मुझे यह कुंडली दिखा रही है कि 1-2 बार आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हो, और यदि धार्मिक यात्रा करोगे तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। और बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपको थोड़ा समय निकालना है और हो सके तो आप गणेश जी की सेवा पूजा करोगे तो बिजनेस में अच्छी सफलता मिल सकती है। जी हाँ, यानी कि बुरा वक्त है जो जल्द ही गुजर जाएगा, आपको बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और धार्मिक यात्रा जरूर करें, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो दर्शकों,